हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑलिव बोर्ड. दिस इज आरजू कक्कर. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपर. प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. लेट्स हैव अ न्यू पीआईबी न्यूज एनालिसिस. देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वर देयर इन न्यूज टूडे. न्यू मॉर्निंग, फ्रेश स्टार्ट. शुरू शुरू में अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली तो नहीं है, ठीक है, 9 बज गए हैं, बट स्टिल राइट, आई वुड से इन द मॉर्निंग अगर आपको पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस मिल रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि बाकी दिन यू वोंट हैव एनी टेंशन. यू हैव डन योर करंट अफेयर्स, द इम्पॉर्टेंट वन, एंड फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट सोर्स, दैट इज पीआईबी, राइट? तो आपने वहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रही है, यू आर कवरिंग इट शार्प एट 9 AM एवरी डे एक्सेप्ट संडे. सो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट विद दीज लेक्चर्स. कोई भी लेक्चर मत छोड़ो, क्योंकि एवरी डे यू हैव अ इम्पॉर्टेंट न्यूज, राइट? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गो एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, एंड देन इन द चैट सेक्शन प्लीज लेट मी नो इफ माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपर, और प्लीज गिव मी अ वेव साइन. आवाज सही से आ रही है तो वो भी बता दो, और सेशन को जल्दी से जाके लाइक करो, नहीं तो सेशन चलेगा नहीं आज. एम आई ऑडिबल? बच्चे ट्राई टू मेक दीज सेशंस इंटरैक्टिव एज मच एज पॉसिबल. मैं बोलती रहूँ, आप कुछ बताओगे नहीं तो भी बात नहीं बनेगी, राइट? इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, और वैसे भी वी आर इन अ वर्चुअल क्लासरूम, सो वी हैव टू मेक इट इंटरैक्टिव. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू गिव द आंसर्स, टू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड नॉट और नॉट. शायद फील करोगे अब ये तो कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं है जिसमें कोई ऑप्शन हो आपके पास ए बी सी डी. ओके, यू आर गिविंग मी द आंसर्स कार्तिक. बिफोर दिस, अ वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू रुपेश फॉर कन्फर्मिंग. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट और सो. अगर किसी ने भी ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन एंड देन आई स्टार्ट. ओके, व्हाट डू यू थिंक रुपेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? गुड टू गो, ग्रेट देन. चलो बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. कब होता है? व्हेन वी ऑब्जर्व नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस डेज थीम्स. ओके, साकेत इज गिविंग ऑप्शन डी एज द आंसर. कार्तिक इज गिविंग डी, 14th of December. व्हाट अबाउट यू रुपेश एंड एनीबडी एल्स हु इज देयर इन द सेशन? गिव मी द आंसर्स. Go and mark your attendance by liking this session. And now let's disclose the right answer. Everybody is going with option D. So 14th of December, bilkul sahi hai. Yes, exactly. Yesterday, National Energy Conservation Day was there. So 14th of December ko National Energy Conservation Day hota hai. Name itself is making clear. What is National Energy Conservation Day? एनर्जी कंजर्वेशन की बात होती है ना, लेकिन इसको कवर करने से पहले अबाउट दिस डे वी हैव टू लुक एट अनदर क्वेश्चन, क्योंकि बोथ दीज थिंग्स आर लिंक्ड. ओके, देर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नाउ. द फुल फॉर्म ऑफ इट इज, यू विल टेल मी, बीईई स्टैंड फॉर वॉट? ओके, जल्दी से बताओ वट बीईई स्टैंड फॉर. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस आई एम टेलिंग यू. क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस. Before giving me the answer, please let me know the full form of BEE. Any guesses? पहली स्टेटमेंट कह रही है कि देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है कि जब आप उस बॉडी को एस्टैब्लिश करते हो थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो द एक्ट इज ऑल्सो गिवन हेयर, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000. सो द स्टेटमेंट इज सेइंग कि BEE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज एस्टैब्लिश थ्रू The Energy Conservation Act 2000. And the second statement is that it is under the Ministry of Power. Both the statements are correct or none of the above. Bureau of Energy Efficiency, absolutely correct. This is the full form. BEE stands for Bureau of Energy Efficiency. अब यहाँ पर दो statements दी गई हैं, आपको जल्दी से बताओ कि what do you think is the right answer for this question?
What do you think is the right answer for this question? A, B, C, D. Okay, option C, you are saying both A and B. Karthik is going with option C. Anybody else who want to try? At least try. देखो आंसर गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. ट्राई टू गिव द आंसर एज मच एज पॉसिबल. इफ यू डोंट नो द आंसर मेक अ गेस, एंड इफ गेस वेंट रॉन्ग यू आर स्टिल एट अ गुड प्लेस, क्योंकि यू विल बी गेटिंग द आंसर राइट देयर ओनली. एंड वेन यू कमिट द मिस्टेक गेटिंग द आंसर देयर ओनली, यू विल रिमेंबर इट. बट नॉट गोइंग गिविंग द आंसर इज नॉट अ सोल्यूशन हेयर. So I am seeing here option C, everybody is giving me the answer, but have you read the first statement carefully? Prachi is also going with option C and Sagil is Srinivasul ready. Okay, option C. So everybody is going with option C, nobody is going with option A. Oh, B. ये वाली स्टेटमेंट डू यू थिंक इट इज करेक्ट? येस, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000. इट इज एस्टैब्लिश थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो इफ ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन वी आर लेफ्ट विद ओनली बी एज द ऑप्शन. तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सो दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. याद रहेगा? विल यू रिमेंबर? So 2000 is wrong, na? If 2000 is wrong, so option A is not going to be there. If option A is not going to be there, तो option C तो हो ही नहीं सकता. Both A and B बोल रहा है option C तो. तो A जब statement गलत है, तो आपके पास क्या बचा? B statement क्या कह रही है? It is under the Ministry of Power. तो बिल्कुल सही है. So that is why option B is the right answer here. Right? So if option B is the answer, now why we are covering it? क्योंकि देखो, yesterday there was 14th of December and every year. Annually, now this is very important because every year Energy Conservation Day is observed, right? So, yahan par initially it was in 1991. So, since 1991, you can say National Energy Conservation Awards jo hai na, wo launch hue the. So, these awards kis liye the? Energy Conservation Awards. All the industries jinka contribution raha hai in reducing the energy consumption. So all those industries that have their contribution in reducing energy consumption, they were recognized with this National Energy Conservation Award, right? So it was for the first time from there onwards that the awards were given on 14th of December 1991. So since then, this day, 14th of December, humne date rakhi. Okay, now let's declare it National Energy Conservation Day. So as to make awareness among the people ki there is a need for energy conservation so that you can have a bright. Okay, now please let me know if I am audible. Okay, please confirm if I am audible. I think now the session is going live. From there onwards, I am proceeding and moving forward. Okay, so as far as this National Energy Conservation Day is concerned, it was celebrated every year on 14th of December. As I said, actually there was a technical glitch because kuch issue ho jata hai, might be 2-3 minute ke liye internet connectivity ka. So now I'm moving forward with this particular thing. Okay, so B hum discuss kar rahe the, Bureau of Energy Efficiency. Where ye 14th of December 1991 kaise date select hui, that is that I have told you. अब दीज अवार्ड्स आर गिवन एज आई टोल्ड कि जिन्होंने भी बेस्ट ऑफ थिंग की है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, वो अवार्ड्स उनके लिए दिए जाते थे. सो यहाँ पर दैट इज वाई 14th ऑफ डिसम्बर वॉज सिलेक्टेड एज द डेट. ओके, नाउ लेट्स टेक इट एज द डेट एंड वी विल ऑब्जर्व नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे.
इसी के साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज देयर बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वॉज एस्टैब्लिश थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ये बॉडी क्या करती है? दिस बॉडी असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. ऑल दोज द स्ट्रैटेजीज एंड द पॉलिसीज इनका ऑब्जेक्टिव है ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. क्लियर? सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. Which of the following ministry recently held National Apprenticeship Mela? Okay, so there are four options and the question is asking you which ministry recently held this National Apprenticeship Mela? Skill Development, Social Justice, Education or Information Ministry? So the right answer of this question is option A. Skill Development and Entrepreneurship Ministry is the right answer. जिन्होंने National Apprenticeship मेला recently held किया, so that is why it was in news. ये किस लिए है? See, we all want that youth should get jobs, they should get various opportunities. So in this particular scheme, what is the aim of Government of India? एक ऐसा platform देते हैं ना कि let us increase the participation of students there. These students, some of the selected ones, under this apprenticeship mela, they will receive a monthly stipend, right? So this stipend will be in accordance with the government criteria for gaining new skills. Purpose ye hai ki industries jo hain wo hire kare the apprentices. Encouraging the companies also to hire more apprentices, assist the employers, give them training or training ke saath you are getting stipend also, right? So the right talent jo hai, you are discovering, you are training, you are giving them the experience, the exposure, and because they have potential. So youth is aware and you are making sure they are getting the best of opportunities that are existing in the country across participating companies. So that is why this apprenticeship mela, and recently Skill Development and Entrepreneurship Ministry held this apprenticeship mela under which mission? Skill India mission. Clear? In this particular apprenticeship mela, it aims to raise opportunities in India to 10 lakh by the end of 2022. This is very important. Make sure you remember the target year ki by 2022, 10 lakh opportunities deni hai and 60 lakh apprenticeship opportunities by 2026. So they can ask you ki 2022 ka target kya hai, 2026 ka target kya hai. Overall, if I talk about this apprenticeship training, government is striving to train 1 million youth per annum through this apprenticeship training. Clear? Moving on to the next question. Okay, what is the theme of India Internet Governance Forum 2022? Exactly, 60 lakh by 2026, तो ये आपको याद रखना है. Clear? Because statements जो होती हैं, they will put such data or information, यहां से ही we get confused. Okay, now there are four options. India Internet Governance Forum 2022, what is the theme of this forum? Empowering India through power of internet, leveraging tech ed for empowering Bharat, inclusive internet for digital India, or none of the above? A, B, C, D. What do you think is the right answer? A, empowering India. Okay, you're going with option A. Anybody else who want to try? Anybody else who want to try? A, B, C, D. What do you think is the right answer? C. Right answer is option B. Leveraging tech aid for empowering Bharat is the theme of India Internet Governance Forum 2022. So option B is the correct answer. Clear? Option B sahi hai. So please make sure. Abhi kaun si ministry associated hai isse? Ministry of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship. The ministries are associated and they have addressed this India Internet Governance Forum. Purpose kya hai? What is the purpose of this forum? We are going for digitization.
So this forum wants to talk about that. It is a global stage. It is this forum is providing you a global stage. For what purpose? For emphasizing the role and importance of this digitization in the international development. When you talk about governance, there is an internet governance also. Right? Theme, I have told you, yehi pucha gaya tha, so that is why theme is discussed. Moving on to the next one. When is World Monkey Day observed? Worldwide? When is World Monkey Day observed? Worldwide. I will not say in India, it's worldwide. World Monkey Day, right? 8th of December, 15th, 14th, 20th. When is this day observed? Any guesses? 14th of December is the right answer. Option C. World Monkey Day is observed every year. Very important. Ye bhi yaad rakhlo, har saal hota hai. Hota hai. Theek hai? 14th of December ko hota hai. Iske liye na, aapko ye date se zyada, see, World Monkey Day nahi puchenge ki kyun hota hai. But they will ask you the IUCN status of the species. So might be ki obviously monkeys ka IUCN status in case hai agar they are in critically endangered category. There are different types, these species are there. So we'll have a look over it. Wo important hai rather than discussing about the monkeys here. Okay, jaise ki you can have a look. Jaise loin tail macaw is endangered category. If they ask you western chimpanzees, they are in critically endangered category. So overall if I say na in the IUCN status, dekho aisa hai, agar main Asian species ki baat karu to 70% approximately 70% of the Asian species wo endangered category mein. If you go with the African species, they are about 50%. Right? So this is a list that I am giving you, PDF aapko mil jati hai, make sure ki you remember the IUCN status of all these. I have given you some of the important one, so inko please yaad kar lo. Kisi bhi tarike se they will ask you the question, IUCN status you all know is very important. Okay, now my next question is, which of the following state government received an award for best practices in controlling the disease? Achha, isko is disease mein bhi recently bata deti hun, wo TB ke liye, tuberculosis. India ka bhi ek target hai to end this. To eliminate TB. Worldwide target bhi hai, lekin hum bolte ki nahi nahi, hum to jaldi kar lenge har kaam. World ka ek WHO ne target diya tha ki chalo bhaiya 2030 tak kar lenge, lekin hume chain nahi hai. Hume usko 5 saal pehle tak hi khatam karna hai. Is that so? Kya 2025 is the target year of the government of India to eliminate TB? Exactly. 2025 hai, ye yaad mein rakhna, see ye extra information hai. मैं क्वेश्चन में नहीं है लेकिन इसके अराउंड अगर इफ देयर इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट सो वी शुड व्हाई इसको रोके क्यों राइट right? तो यहां पर अब मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो ये बात की बातें हो जाती हैं हम थोड़ा डेविएट हो जाते हैं चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंट्रोलिंग द डिजीज मेघालय ओके आई एम गेटिंग द आंसर संजय इज गिविंग मेघालय इज द आंसर ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मेघालय की जो सरकार है वहां की सरकार ने एक जन आंदोलन शुरू किया था अ पीपल्स मूवमेंट यू कैन सी हियर ये किस लिए था इट वाज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस सो दिस दैट इज व्हाई मेघालय गवर्नमेंट रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंट्रोलिंग द डिसीज दैट अफेक्ट 2.6 मिलियन पीपल यही मैं भी बात कर रही थी ना कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमारा जो टारगेट है टू एलिमिनेट द डिसीज It is by 2025. Very important. This is the target year. हम TB को eliminate करना चाहते हैं by 2025. और अगर मैं बात करूं, so there are about 26 lakh Indians that are affected by TB each year, right? So if you say 2.6 million people in India every year they are affected by TB, yes they are. Okay, Vande Mataram is an English newspaper. It is associated with.
श्री अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक दैट इज बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी. ये इट इज नॉट अ स्टैटिक क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हिस्ट्री बेस्ड नहीं है. इट वॉज इन न्यूज. वाई इट वॉज इन न्यूज आई टेल यू, बट बिफोर दैट प्लीज गिव मी द आंसर. वंदे मातरम विच इज एन इंग्लिश न्यूज पेपर, इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? ए बी सी डी. वट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम एवरी वन हियर. ओके, ऑप्शन ए एवरीबडी इज गोइंग विद. देन संजय इज गोइंग विद ऑप्शन ए, श्री अरबिंदो घोष. करेक्ट, बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए इज इन न्यूज इज द राइट आंसर. पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली 13th ऑफ डिसम्बर को आर प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम. वो प्रोग्राम था दैट वॉज कमेमोरेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो घोष. कब था? ऑन 13th ऑफ डिसम्बर. क्लियर? कहाँ हुआ दिस प्रोग्राम? वॉज इन कंबन कलाई संगम पुडुचेरी. इट वॉज अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव. वहां पर प्राइम मिनिस्टर रिलीज द कोमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ श्री अरबिंदो. ये तो नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सम ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स वो पूछे जा सकते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी, अरबिंदो घोष वॉज अ रेवोल्यूशनरी. ही वॉज अ नेशनलिस्ट. ही वॉज अ पोएट, एडुकेशनिस्ट एंड अ फिलोसफर. 15th of August 1872 ही वॉज बॉर्न कैलकटा में. फिलोसफी में बहुत ज्यादा ही वॉज डिवाइन इन टू एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. अगर आप फिलोसफी अगर आपका कभी ऑप्शनल हो, इफ एनीबडी इज देयर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप बिल्कुल पढ़ोगे इन योर फिलोसफी ऑप्शनल अबाउट श्री अरबिंदो. लेकिन वैसे इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी तो आप जरूर इनके बारे में पढ़ो कि कैसे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से होते हुए हाउ ही एंटर्ड इन टू दिस एंड बिकेम अ फ्रीडम फाइटर, और इनकी क्या जर्नी रही है, जरूर पढ़ना है इन पर, राइट? एंड ही डाइड ऑन 5th of December 1950. दीज आर हिज लिटरेरी वर्क्स. याद में रख सकते हो, रखना है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वंदे मातरम, बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर रिवॉल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, आर ऑफ गोड. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समवर्ड इफ कोई यहाँ पर है जिसको पढ़ना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. सो दिस वॉज इट फॉर टूडे. एंड एनीबडी इफ दे विश टू डू द गवर्नमेंट स्कीम्स, वी आर देयर फॉर यू. सीरीज चल रही है ऑलरेडी. फ्यू ऑफ द सेशंस आर डन. आई एम टेकिंग दीज लेक्चर्स. कंप्लीट कवरेज होगी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स. स्टार्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन होंगे विद एवरी टू लेक्चर्स. ना वी हैव अ Q&A सेशन ताकि वंस अगेन रिवाइज वट एवर यू हैव कवर्ड, राइट? सो विद दिस आई एम समिंग अप दिस सेशन. इफ यू वॉन्ट टू एनरोल योर सेल्फ इन द कोर्स दैट इज RBI ग्रेड बी 2023 कंप्लीट प्लान, और एक मेंटरशिप बैच भी है. यू कैन एनरोल इन एनी वन. द कंप्लीट डिटेल्स आर गिवन ऑन द ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म साइट है, देख सकते हो. एंड यू कैन एनरोल, और वहां पर दोनों कोर्सेज में यू कैन अवेल द लेक्चर फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? And if you wish to take a demo, या if you want कि थोड़ा एक कुछ government schemes I am taking, कल Friday है तो कल I think 9 PM we have a lecture where I'll be sharing some of the important government schemes there also, right? So every Friday we have that lecture. Please do subscribe that this channel so that you can get the notification as well. So thank you everyone. I wish everybody a very best of luck. Happy learning. Have a nice day.